Welcome to Yogic and Modern Science. Today we'll be exploring into a very interesting topic, which is time travel. And this topic of time travel is very popular among students, science students, and the people who are very enthusiastic and very eager to know the things about this whole existence, the issue of time, space, etc. Now, when scientists explain about time travel to the students and to other people, they are not able to explain it exactly because they don't know the basic principles using which it can be explained. And many other kind of people like saints and other Mahatmas, they also try to explain this time travel, and they are doing the same mistake. They are also distracted from the basic principles from where they can explain this phenomena called time travel. Now today, let us explore this time travel from the yogic science point of view. Sharmaji, what is time travel from the yogic science point of view? Time travel possible hai? Ya time travel hota kya hai? Jo ki aaj scientists ke beech aur students, jo science student hai, aur bahut se log hai jo srishti ko janna chahte hai, samajhna chahte hai. To time travel bahut popular hai logon mein. Kuch log kehte hai time travel possible hai. Past mein jana possible hai, jo ho chuka hai. भविष्य में जाना पॉसिबल है जो कि अभी नहीं हुआ है. और बहुत से लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं है. क्या टाइम ट्रेवल हो क्या ये, जो टाइम है पहले ये हमें समझना होगा कि ये टाइम कहाँ से हमें अनुभव में आता है और फिर हमें ये जानना होगा कि इसमें किस तरीके से हम चल सकते हैं टाइम में. तो दो चीजें यहाँ पे हैं. और जो आज जैसे आपने बताया कि हमें सुनाया था इस वक्त साइंटिस्ट और जो महात्मा लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अपने मूल सिद्धांत से थोड़ा हट गए हैं. इसलिए उसका बच्चों का सही जवाब, बच्चे जानना चाहते हैं, बच्चे बड़ी अच्छी जिज्ञासा लेके आते हैं, मगर वो बच्चे ये नहीं बता उनको जो जवाब देने वाले हैं उसका जवाब इतना घुमा फिरा देते कि बच्चे एकदम नर्वस होके एकदम चुप हो जाते हैं. तो उनकी जो जिज्ञासा है वो कुछ दब सी जाती है. हम चाहते हैं कि जिज्ञासा और आए, बच्चों में जिज्ञासा और आए, और ये बच्चे टाइम टेबल के बारे में या किसी टाइम ट्रेवल के बारे में या टाइमिंग के बारे में या इसकी उत्पत्ति के बारे में ये नए नए सवाल पूछें और हम इनको नए नए अपने सिद्धांत से इनको जवाब दें ताकि इनकी ये बात समझ में आए. तो टाइम की जहां तक बात है कि समय जो है, मैंने ये बात पहले कहा है कि समय अगर है तो कहीं कहीं आधार जब तक नहीं होगा तो समय का ज्ञान नहीं हो पाएगा. तो आधार, आधार मैंने पहले बताया जो हमारे तीन सिद्धांत में अंडाकार है वो आधार है. और जो परमात्मा की जो शक्ति शक्ति है, शब्द है और गति है, ये वो जो चेतन प्रक्रिया है, चेतन सुप्रीमो है, ये चेतन सुप्रीमो उसका गति से और स्थान परिवर्तन से और स्थिति परिवर्तन से, दो चीजों से, स्थान परिवर्तन दूरी से और स्थिति परिवर्तन अपने केंद्र में स्थिति परिवर्तन होने से, इस चीज से टाइमिंग को हम आकलन लगाते हैं कि ये चीज बदल गई, इसका मतलब टाइमिंग है. टाइमिंग है तो बदलने को हम टाइमिंग कहते हैं, हम जानते हैं. मगर अभी हमने ये जो प्रश्न अभी देखा था कि एक संत बोल रहे हैं कि उसका काल महाकाल, मेरा उसने एक सवाल मैंने ही खड़ा किया था अभी कि क्या कोई, अगर कोई चीज हम रनिंग करें, हम दौड़ाएं कोई चीज जो प्रकाश में हो और फिर वो ब्रह्मांड के किसी अंधकार में हो, तो क्या उसकी रनिंग पे प्रकाश और अंधकार का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? तो ये मेरा, अगर उसने इस टाइप का सवाल था कि जहां उनका जवाब नहीं जा रहा, पहुंच पा रहा था, तो वो ये चीज सामने आती है. यहाँ चेतन प्रक्रिया जो है, अब ये चेतन प्रक्रिया को देखने वाली जो मूल प्योर चेतन है, जो दृष्टा है, मैं ये बात पहले बता चुका हूं
कि जब तक किसी चीज को तीन सिद्धांत से देखा जा सकता है, दृष्टा, दृष्टि और दृश्य। अगर आपको पीछे जाकर के किसी महाभारत को या किसी युग को देखना है या किसी भी युग में जाना है और पीछे जाकर के आपको देखना है, तो वहां देखने के लिए आपको एज ए दृष्टा, दृष्टा की तरह और एज दृष्टा और दृश्य आपका, फिर वो चेतन आ जाएगा, जो चेतन परमात्मा है वो दृश्य, वो आपको बताएगा कि यहां पर हमने भारत में रह करके आपको कलयुग में ये चीज दिखाई थी, अब हम आपको यहां पर ये चीज दिखाते हैं पीछे जाकर के। यहां देखो महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो महाभारत के युद्ध में आप अपनी गति मति नहीं रख सकते, आपको वो चीज वहां जब समझ में नहीं आएगी, अगर कोई भाषा परिवर्तन हो रही है, ना समझ है, तो आप अपने जो आपकी सोच है, जो आपकी दृष्टा की वो है, तो दृष्टा पर दबाव पड़ेगा, तो सामने से चेतन प्रक्रिया जो दृश्य है, दृश्य अपने आप में भी लाता है कि अब आपको समझ नहीं आ रही है, अब आप अपने विचार से गहराई में जा चुके हो, अब देखो गहराई से हम चेतन होकर के आपको सामने से समझा रहे हैं, तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, भले ही भाषा नहीं समझ आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो स्थिति है, करना है, जो उनकी क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, घोड़ा गिर रहा है, हाथी गिर रहा है, ये सब समझ में आ रहा है, कौन आवाज, ये चीज वहां आपको ऑटोमेटिक समझ में आती, इसे समझाने की वहां जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये टाइम पीछे जाया जा सकता है, मगर किसी एक आकार के अंदर, और आकार परमात्मा का ही है, तो उस आकार के अंतर्गत आपको साकार होकर नहीं जा सकता, अगर साकार होकर के जाना तो आप साइंस के जरिए आप पृथ्वी से आप चांद पे चले जाए, किसी कैप्सूल में चले जाइए, या आप अपने शरीर का वातावरण बदले, या चंद्रमा का वातावरण में आप चले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर बहुत आपको बैठ जाना, हालांकि हम निरंतर जाते रहते हैं, हम कभी कई उदाहरण हम भूतकाल से देते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में हम घाटा खा चुके हैं और हमें चोट पहुंच चुकी, अच्छा भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हम किसी को शिक्षा देते हैं तो ये हम बताते हैं, इसका मतलब हम थोड़ी दूरी के भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में ही जा रहे हैं, मगर हमारे पास ये योगिक सिद्धांत नहीं है कि हम वो सिद्धांत के तहत बहुत दूर की सफर कर लें, आगे भी और पीछे भी, तो योगिक आध्यात्मिक एक ऐसा विज्ञान है कि जब ये अनुभव में आता है तो इससे योग से सफर की जाती, योग माने उस चीज से जुड़ना, तो कहा वर्तमान में किस कितनी दूरी से जुड़ रहे हो, कहीं किससे जुड़ रहे हो, उसके ऊपर आपके गति और आपके विचार और आपकी जो सोच है और आपकी जो प्रकाश है और आपका जो शब्द है, वो वहां पे तीनों चीजें आपको लगनी चाहिए, ये तीनों लगनी चाहिए, और साथ में आपकी जो विचारधारा है, जो जिससे एक बात हमने पहले ही एपिसोड में बताई है कि संबंध और संस्कार ये ब्रह्मांड में दो ही चीज है, तो जिससे संबंध आप साधोगे तो आपके वर्तमान में संस्कार उसी से संबंध योगी प्रक्रिया से वहां पहुंचाएंगे, और जब पहुंचाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में आपका रोल नहीं रहा, आपका भी एक रोल निरंतर रहा है, अभी है, आगे भी रहेगा, तो आप अपने रोल को भी देख सकते हो कि आपका रोल वहां क्या था, तो अपने रोल को भी देखा जा सकता है आपकी वहां क्या रहा, मगर सवाल इस बात का आता है कि आप एक अंडे, एक अंडाकार में जो स्थिति आपकी इस वक्त अंडों का झुंड है, और अभी भी इसमें आपकी जो चेतन प्रक्रिया एक मूलतः अंडे में जो है, जो स्पष्ट हो रही है और जो इसको कंट्रोलिंग कर रही है, वो उसके ऐसी ही स्थिति आपको पीछे भी दिखाई देगी, चाहे वो साकार में हो चाहे निराकार में, सब कुछ दिखाई दे, दो चीज आपस में बदलती है, दो चीज आपस में जो बदलती है, इन बदलने को आप जब बदलने की भाषा को आप समझ लेंगे तब आप टाइमिंग की बात कर पाएंगे, उससे पहले टाइमिंग की बात करना बिल्कुल मेरे ख्याल ना समझी होगी, क्योंकि साकार और निराकार जब तक नहीं आपके समझ में आ जाता है, जब तक आपको संबंध संस्कार समझ में नहीं आ जाता है, जब तक आपको दृष्टि दृष्टा और दृश्य समझ में नहीं आ जा सकता है, जब तक आपको वर्तमान और भूतकाल भविष्य काल समझ में नहीं आ जाता है, काल वहां प्रत्यक्ष भी हो रहा है और अप्रत्यक्ष भी हो रहा है, वहां चेतन प्रक्रिया प्रत्यक्ष सामने से गिर रही है तो प्रत्यक्ष है, और जब अंडे के बैक साइड से निकलती है तो वो अप्रत्यक्ष हो जाती है, तो काल भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है, तो ऐसी जब तक ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, सारा इनका सबका समन्वय नहीं बनेगा, तो कोई व्यक्ति अगर यहां बैठ के कहता रहे
कि ऐसा सिद्धांत है तो वो अपने मूलता उस अपने मूल सिद्धांत से बहुत दूर है। ये मेरा एक बच्चों के लिए और आपके लिए है ये जो मैंने इस तरीके के टाइम के बारे में और इसके चलने के बारे में आपको जो छोटा सा ये एपिसोड बताया है, इसको आप ध्यान से देखें और आप बच्चों को थोड़ा ध्यान से करने के लिए समझा दें अच्छी तरीके ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ओके, फ्रॉम योगिक पॉइंट ऑफ व्यू टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल ओनली इफ वी आर अवेयर ऑफ द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ योगिक साइंस। द प्रिंसिपल ऑफ यू कैन से दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द नोअर, known and knowledge, or in other words, drashta, drishti and drishya. And there are three other principles also, the principle of the conscious energy, the energy of consciousness, the prakriti and the jivatmas. Okay, and the one who is the witness of these three principles. So until we get established in the witness principle, this is not possible. Time travel is not possible, and even we cannot understand the concept of time, what time exactly is. So without being aware of these main principles, the basic principles, if we try to understand time, then we cannot possibly understand the time, let alone the time travel. Thank you.